अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों? ठीक ठाक हैं आप लोग? अच्छा बच्चों, कल हम लोगों ने जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की पहली एप्लीकेशन जो है वो डिस्कस करनी थी। आज हम लोग जो है बाकी की है तो पांच हमने लिखवाई थी एग्जांपल्स, ठीक है, लेकिन बस पेपर में सिर्फ शुरू की तीन ही प्रूफ करने को आती हैं, तो एक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह सेकंड और थर्ड दोनों निपटा लेंगे, सही है? तो शुरू करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर एट का, वो चैप्टर एट का लेक्चर नंबर टू होगा, सही है? अच्छा देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन पूरा डिस्कस कर लिया था। अब जो हमारे पास सवाल पेपर में आ सकता है वो इस तरीके से आता है, शो दैट अ पार्टिकल इज मूविंग अराउंड अ सर्कल, इट्स प्रोजेक्शन एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है? या ऐसे कह सकते हैं कि शो दैट द प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अराउंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। मैंने बताई थी आपको बात इस पिछले लेक्चर के अंदर कि कैसे होता है, डायग्राम बन जाएगी अभी तो और बात समझ में आ जाएगी। पर मैं हेडिंग डाल रहा हूँ किस चीज की, प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल, प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है? आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो है एक पार्टिकल कंसीडर किया और साथ साथ लिखता भी जाता हूँ बताता भी जाता हूँ। देखो क्या मतलब वो इस बात का, मैंने एक कंसीडर कर ली एक बॉडी, कंसीडर अ पार्टिकल लेते चलो, कंसीडर अ पार्टिकल के पार्टिकल लिखा हेडिंग के अंदर ऑफ मास एम, ठीक है, which rotates in a circle of radius x naught, ठीक है, x naught लिया है, क्यों लिया है अभी बात समझने के डायग्राम बनने के बाद, with constant angular velocity, with constant angular speed लेते हैं, बल्कि with constant angular speed ओमेगा, एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, ओमेगा हो गई, ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। एक्स नॉट तुम्हारे पास क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ओमेगा तुम्हारे पास कांस्टेंट स्पीड हो गई, ठीक है। अच्छा जनाब, कंसीडर पार्टिकल ऑफ मास एम व्हिच रोटेट्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस एक्स नॉट विद कांस्टेंट स्पीड एंगुलर स्पीड ओमेगा, इट्स प्रोजेक्शन बाकी इसको ऐसे कर लेते हैं, its projection executes simple harmonic motion along the diameter of circle AB, सही है भाई, along the diameter of circle AB, डायमीटर का नाम क्या दे दिया, AB दे दिया, ठीक है। तो इस चीज को मैं जरा डायग्रामेटिकली समझा दूं, यहां जाओ, ये आ गया तुम्हारे पास, लेट सपोज एक सर्कुलर पाथ आ गया, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ आ गया सेंटर से लेके, बच्चों ये आ गया सेंटर, सेंटर से लेकर ये डिस्टेंस हमारे पास है रेडियस, यानी कि एक्स नॉट, क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं सेंटर पोजीशन के मेन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस कहलाता है क्या, क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है। अच्छा जनाब, फिर फर्ज करो कि बॉडी या पार्टिकल जो है वो यहाँ मौजूद है, इसकी लोकेशन दे दी मैंने पॉइंट पी, सही है बच्चों, तो ये यहां से हटा के मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ एक्स नॉट, ये आ गया तुम्हारे पास एक्स नॉट, ठीक है। इसकी प्रोजेक्शन मेरा बेटा कहाँ बनेगी, इसकी प्रोजेक्शन बनेगी सर बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पर बनेगी, किस जगह के ऊपर, ठीक है, तो इसको मैंने नाम दे दिया बेटा पॉइंट क्यू का। तो अब ये जो थी एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, पॉइंट क्यू तुम्हारे पास ये है, तो क्या यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कहलाएगा एम्पलीट्यूड, नहीं कहलाएगा, क्यों, क्योंकि सर ये पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन को टच नहीं कर रहा, जब नहीं कर रहा तो इट्स मीन ये तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, और ये क्या हो गई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, सही है बच्चों, वाली बात समझ में आ रही है। अब अगर पार्टिकल ऐसे घूमता रहे, ठीक है, पार्टिकल इस तरीके से घूमता रहे अगर, तो यहां पर पहुंचने के बाद जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंचेगा प्रोजेक्शन यहां आ जाएगी, फिर साथ साथ आगे भी चलेगा ये,
इस पूरे उस पे ये क्या करती रहेगी, एग्जीक्यूट करती रहेगी। ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी तुम्हारे पास, ठीक है। अच्छा जनाब, यहाँ पहुंचेगा यहाँ, यहाँ आएगी इधर, इधर पहुंचेगा इधर, इधर पहुंचेगा इधर। तो जब ये ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज तो प्रोजेक्शन यहाँ आ जाएगा, फिर जब ये ऐसे जाना शुरू करेगा अपवर्ड प्रोजेक्शन वापस जाएगा अपनी तरफ, इस तरफ जाएगा वापस, ठीक है। देखिए मुसलसल अगर एक अज्यूम कर लो डायग्राम अपने दिमाग के अंदर, तो जब अगर ये ऐसे से रोटेट कर रहा है तेजी से, ऐसे रोटेट कर रहा है तेजी से, ठीक है, तो प्रोजेक्शन जो है वो आगे पीछे ऐसे ऐसे हो रही है जल्दी जल्दी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोजेक्शन क्या कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक है। अच्छा जनाब, ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों के। देखिए अब ये हो जाएगा मेरे पास सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन एसी, क्या हो जाएगी सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। अगर मैं बात करूं इसकी लीनियर वेलोसिटी की, तो आप जानते हैं वो होती है टेंजेंट डायरेक्शन में, ये आ जाएगी इसकी क्या, लीनियर वेलोसिटी। हर ये बात समझ में, ये क्या बन जाएगी आपके पास, लीनियर वेलोसिटी, जिसको मैं फिलहाल चलो कह देता हूँ वीपी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन, ठीक है। और ये एसी, इसको मैं कह देता हूँ एपी, एपी मीन एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्शन, ठीक है। अच्छा जनाब, अब आइए अब इसके फर्दर आगे चलो, मैंने मान लिया, नीचे लिख रहा हूँ इसे ना, यहीं से लिख रहा हूँ कि कंसीडर अ पार्टिकल, चलो कंसीडर पहले वर्ड यूज किया था ना, अब लेट का वर्ड यूज करें, लेट द पार्टिकल इज एट पॉइंट पी एंड इट्स प्रोजेक्शन, एंड इट्स प्रोजेक्शन इज एट क्यू, ठीक है। कहां इसकी प्रोजेक्शन, क्यू के ऊपर है। अब चूंकि पार्टिकल कर रहा है रोटेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, तो सेंट्रल एक्सेलरेशन लाजमी होगी, तो क्या लिखोगे, द सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन ए सी, द सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन ए सी विल बी, क्या बनेगी, इधर देखो ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, यही होता है जनाब। तो देखो लीनियर वेलोसिटी अभी फिलहाल नहीं है, सर्कुलेटरी मोशन कर रहा है, तो उसको लीनियर वेलोसिटी नहीं है बॉडी की, बॉडी की क्या है तुम्हारे पास, एंगुलर वेलोसिटी है। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप होता है, चैप्टर नंबर 4 में पढ़कर आया था, याद होगा तुम लोगों को, क्या होता है। तो सबसे पहली बात मैंने ये किया कि मैंने मान लिया ए सी को ए पी, ठीक है, वी को बेटा वी पी और आर को बेटा एक्स नॉट, क्यों, रेडियस एक्स नॉट है, रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस डिस्टेंस, रेडियस एक्स नॉट है, ठीक है। v पार्टिकल वेलोसिटी vp हो गई, सेंट्रल एक्सेलरेशन ac है, पार्टिकल में एक्सेलरेशन ap हो गई, ठीक है। तो क्या बन गई इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास, ये बन गया सर आपके सपोजिशन के मुताबिक ac ap इक्वल टू vp का स्क्वायर ओवर x नॉट, ठीक है। अच्छा जनाब, v इक्वल टू r ओमेगा के अकॉर्डिंगली, v इक्वल टू r ओमेगा के अकॉर्डिंगली हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, तो v तो यहां पर vp है, आर हमारे पास एक्स नॉट है और ओमेगा ये आ गया, फॉर्मूला क्या बन गया, वी इक्वल टू आर ओमेगा, वी इक्वल टू आर ओमेगा, आर क्या है एक्स नॉट, ठीक है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ वैल्यू उसकी, क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दी, तो आओ जरा देन क्या होगा, जब पुट कर दी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया बच्चों जनाब AP is equals to X naught omega square upon X naught. AP is equals to X naught square omega square upon X naught. आ रही है ना बात समझ में, ठीक है। अब देखो X naught से X naught क्या हुआ, कैंसिल हो गया, सही है, क्या बच गया, AP equal to X naught omega square. तमीज से लिखते हैं इसको, X naught ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट भी कह सकते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड है, अगर एम्पलीट्यूड ना हो, रेडियस एक्स नॉट नहीं, एक्स ले लो, ठीक है ना,
अच्छा जनाब रेडियस एक्स नॉट नहीं, हम एक्स भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स को लिया हुआ है ना, डिस्टेंस को लिया हुआ है, क्या कहीं लिखा हुआ मिल जाए ना कि ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, बात सही होगी, ठीक है, ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओमेगा, ए इक्वल टू एक्स ओमेगा स्क्वायर, तब भी सही होगा, ठीक है, एक्स ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स भी हो सकता है, एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट भी हो सकता है, अगर इस केस के अंदर एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रेडियस है वो क्या है, एक्स नॉट है हमारे पास, इस वजह से, ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई, यहाँ तक ए पी इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक अगर हो तो पूछ लेना मुझसे, कोई मसले की बात नहीं है, सही है, अच्छा जी, तो ये तो बन गया हमारे पास एक फॉर्मूला पार्टिकल की एक्सेलरेशन का, ए पी इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, लेकिन गौर करो, अगर ये है मेरे पास एक्सेलरेशन का वेक्टर, ठीक है, मैं 10 बार पढ़ाते हुए भी बात बोल चुका हूँ, जब जब वेक्टर की मैंने बात की है कि व्हेनेवर वेक्टर लाइज बिटवीन एक्स एंड वाई प्लेन वी हैव टू रिजॉल्व दैट वेक्टर इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक बनता तुम्हारे पास वर्टिकल कंपोनेंट, एक बनता तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन का वेक्टर आ गया सर बीच में, ठीक है, तो जाहिर है मेरे पास एक बन जाएगा हॉरिजॉन्टल, एक बन जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, तो मैं यही करने लगा हूं, मैं क्या किया, वी कैन रिजॉल्व, क्या लिखेंगे बच्चों, वी कैन रिजॉल्व वेक्टर ए पी इंटू टू रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट इंटू टू रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट, ठीक है, कौन कौन से भाई, सर एक बनेगा आपके लिहाज से ए पी एक्स, मतलब एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर cos theta, सही है, और सर दूसरा बनेगा हमारे पास ए पी वाई मीन सर एक्स नॉट स्क्वायर साइन थीटा, क्यों, हम जानते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा, अब एफ के बजाय कोई भी वेक्टर हो हमारे पास, यहाँ वेक्टर क्या था ए पी के पार्टिकल की एक्सेलरेशन, एक्स कॉम्पोनेंट हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट cos theta लग गया, वर्टिकल कॉम्पोनेंट साइन थीटा लग गया, अब जरा गौर कीजिएगा, गौर क्या करें कि जो प्रोजेक्शन है सर, ठीक है, प्रोजेक्शन वर्टिकल मोशन वर्टिकल एक्सिस पे मूव कर रहा है या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मूव कर रहा है, साफ दिख रहा है यहाँ पर कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मूव कर रहा है प्रोजेक्शन जो है, ठीक है, जब प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मूव कर रहा है, इट्स मीन विच कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन यूजेस हियर, कौन सा होता है प्रोजेक्शन का पार्ट, कौन सा होता है एक्सेलरेशन का कंपोनेंट यूज यहाँ पर प्रोजेक्शन का, प्रोजेक्शन की एक्सेलरेशन कौन सी होगी, बेसिकली कहने का मतलब ये आसान लफ्जों में, सर आप कह रहे हैं कि प्रोजेक्शन हो रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का वही यूजफुल है उसके लिए, वही उसकी एक्सेलरेशन है, ठीक है, जब वही उसकी एक्सेलरेशन है तो आपके मुताबिक सर उसकी एक्सेलरेशन क्या बन गई, ए पी एक्स इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है, मैं ये वाला पार्ट रब कर रहा हूं यहां पर, सही है, तो आ जाओ इरेज कर दे इस पार्ट को, पॉज करके ना वीडियो को लिख लिया करें, मैं जब से साइड पर हटता हूँ आप पॉज किया करें और उसको लिख लिया करें, मेरा ख्याल से स्क्रीनशॉट का ऑप्शन तो बंद होगा आपके पास इसमें, तो आप स्क्रीनशॉट को मेरे ख्याल से ले नहीं सकते, तो आप पॉज करके वीडियो को देख लिया करें जनाब, अच्छा अब वहां से कंटिन्यू है आखिरी स्टेप से, मैं क्या लिखूंगा कि द एक्सेलरेशन ऑफ, हेडिंग दोबारा मत डालना, कंटिन्यूटी है क्योंकि टॉपिक में चल रहा है, मैंने मिटाया नहीं इसको, द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन इज जी, इसको मैं कह रहा हूं a इज इक्वल्स टू x नॉट ओमेगा स्क्वायर cos थीटा, ठीक है, बाकी सब मैंने हटा दिया, नहीं पता है ना ये वाली एक्सेलरेशन है, ये वाला कंपोनेंट इसका ये है, तो मैं इसको एक काम करता हूं, इसको ऐसे ले देता हूं कि a p x इज इक्वल टू a इक्वल टू x नॉट ओमेगा स्क्वायर cos थीटा, ठीक है, अब एक बात और गौर करो क्या कि सर ये अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है या नहीं भी कर रहा, लेट सपोज थोड़ी देर के लिए मान लो नहीं कर रहा, ठीक है, तब यहां पहुंचेगा, ठीक है, वापस दौड़ेगा किधर, मीन पोजीशन पर, जब यहां पहुंचेगा वापस दौड़ेगा तो किधर, मीन पोजीशन पर, यानी कि सर राइटवर्ड मोशन हो या लेफ्टवर्ड मोशन हो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है ना, हमेशा पलट के कहां आ रहा है, कहां डायरेक्ट कर रहा है, मीन पोजीशन पर, दैट्स व्हाई हम क्या लगा देंगे यहां पर, माइनस लगा देंगे, ठीक है, इस यही तो रूल है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन का, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, कह लें या कह लें कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, इस वजह से क्या लगता है, माइनस लगता है, समझ आ रही है बात, ये वाली ठीक हो गया मामला यहां तक, अच्छा जनाब अब देखें मुझे इसको जो है ना खत्म करना है,
इसको खत्म करना है cos थीटा को, क्योंकि एंगल की वैल्यू तो है नहीं मेरे पास। मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राइंगल क्यू ओ पी कंसिडर कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, कंसिडर ट्राइंगल क्यू ओ पी, कंसिडर ट्राइंगल क्यू ओ पी, वी हैव cos थीटा क्योंकि मुझे बेस पता है और हाइपोटेनियस पता है, करली ब्राउन हेयर क्योंकि बेस है और हाइपोटेनियस, बेस x है, हाइपो x नॉट है। कैसे, अगर सही है एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, बेस ओवर हाइपो, ठीक है। बेस ओवर हाइपो मतलब OQ अपॉन OP, OQ अपॉन OP, OQ क्या है बच्चों x है, OP क्या है x नॉट है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, x अपॉन x नॉट। अब क्या बन जाएगा, अब क्या लिखेंगे हम, नाउ A is equals to minus x naught omega square, इसकी जगह बच्चों क्या आ गया, x upon x naught आ गया, x naught से x naught क्या हुआ, cancel हो गया, क्या बचा, A is equals to minus omega square x, एक और फॉर्मूला मिल गया acceleration का, मैंने कहा था ना ये फॉर्मूला क्या होता है, omega square x, negative sign से show करा direction को, वर्डिंग पे जाओ वापस, जो यहाँ वर्डिंग लिखी हुई थी वहां लिखा था with constant angular speed, ठीक है, मतलब एंगुलर स्पीड चेंज नहीं हो रही, ओमेगा जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। सर जब ओमेगा कांस्टेंट क्वांटिटी है तो हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा जनाब, इसकी जगह पर फिर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा माइनस कांस्टेंट एक्स, माइनस कांस्टेंट हटेगा, क्या बन जाएगा, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, आगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, ओ इन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो हो गया प्रूफ, ये भी तो नीचे लिख देना, नीचे क्या लिख देना, लिख नहीं रहा मैं फिलहाल, तुम लोग लिख देना कि प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल, इट हैज प्रूव दैट प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल व्हिच इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल इज दैट, ठीक है। किसी स्टेप में मसला हो मुझे ऑडियो भेज देना व्हाट्सएप ग्रुप पे, हम बता देंगे आपको, इस मसले की बात नहीं है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना काफी, क्लास ऑलमोस्ट हाफ एन आवर की हो गई इसी के अंदर, अगर मैं वो भी शुरू कर दूं पेंडुलम भी तो एक घंटे की क्लास हो जाएगी, तो फिलहाल आज के लिए इतना काफी बेटा, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पेंडुलम डिस्कस कर लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।